नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अचानक इस्तीफा दे दिया, या यूं कहे कि उन्हें हटा दिया गया। ठीक एक साल बाद यानी 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, दोनों को अलग किया गया था। उपराज्यपाल के बाद में नियुक्ति की प्रोसेस हुई थी, दोनों जगह के उपराज्यपाल अलग अलग नियुक्त किए गए थे, एक जगह प्रशासक एक जगह उपराज्यपाल। तब सतपाल मलिक हुआ करते थे वहाँ के राज्यपाल, उनकी जगह पे गिरीश चंद्र मुर्मू को भेजा गया था। माना यह गया कि चूंकि ये गुजरात कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं जब वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो वो जानते हैं कि मोदी क्या चाहते हैं, इस हिसाब से उनको LG वहाँ का बना करके भेजा गया। 8 महीने तक लगभग वो वहाँ पे रहे, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि 8 महीने में ही उनको हटाना पड़ा? तो बात ये आई कि उनको जो है CAG बनाया जा रहा है इसलिए हटाया गया, या उनका वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से डिस्प्यूट चल रहा था, इस तरीके की भी बात आई, चुनाव आयोग से उनका डिस्प्यूट चल रहा था। ये बातें थी, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं। चुनाव आयोग से डिस्प्यूट इस बात को लेकर के उनका हुआ कि RP देसाई जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनके नेतृत्व में एक कमीशन गठित किया गया था जिसे कि असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड और जम्मू कश्मीर का परिसीमन करना था, लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्रों का। वो अपना काम कर रहे थे, इसी बीच में इन्होंने ये बयान दिया कि अभी जो है वहाँ पर चुनाव नहीं होना चाहिए, और जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने ये कहा कि कब चुनाव होगा और कब चुनाव नहीं होगा ये तय करना चुनाव आयोग का काम है, बीच में उपराज्यपाल को नहीं आना चाहिए। लेकिन ये बयानबाजी इन्होंने किया, इन्होंने सख्त कदम उठाया। बीच में और घटनाएं हुई, जैसे वहां पे आपने देखा होगा कि BJP के पदाधिकारियों की कई हत्या हुई, पिछले 48 घंटे में ही 2 हत्याएं हो चुकी है। वहां के चीफ सेक्रेटरी से भी इनकी रस्साकसी चल रही थी। तो ये एक ऊपरी कारण लग रहा है, मतलब ऊपरी कारण क्या कहें, इसको कहें कि ये भी कारण है, लेकिन असल कारण जो बात निकल करके आ रही है उनको CAG बनाया जाना होगा, और भी बहुत सारे अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी या जो सर्विंग जिसको कि CAG बनाया जा सकता है, कि दरअसल केंद्र सरकार अब चाहती कि एक साल वहाँ पे हो गया, और जिस समय आपको याद होगा ये कदम उठाया था, यानी कि 370 और 35A का खात्मा, केंद्र शासित प्रदेश बनाना, उसी समय गृह मंत्री ने अमित शाह ने कहा था कि हमारा इरादा यहाँ से दिल्ली से वहाँ पे शासन चलाना नहीं है, हम जल्दी ही वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करेंगे और जो है उसको वहाँ पे चुनाव कराएंगे। तो अब जब कविंद्र गुप्ता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ के रह चुके हैं, उन्होंने इस परिवर्तन के बाद थोड़ा सा राज खोला कि जो मनोज सिन्हा को बनाया गया, आखिरकार मनोज सिन्हा को क्यों चुना गया? ये तो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदार थे, केंद्र में रेल राज्य मंत्री और संचार मंत्री रहे हैं। तो दरअसल मनोज सिन्हा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नज़दीकी माने जाते हैं। 2019 के चुनाव में अफजाल अंसारी से वो गाजीपुर से चुनाव हार गए थे, विकास कार्य कराने के बावजूद हार गए। इसके बाद वो एक ऐसे नेताओं में उनकी गिनती है जो बोलते कम हैं, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न ही केंद्र सरकार से कोई अपेक्षा रखी कि हमें जल्दी से कोई पद दे दिया जाए, तो शांत रहे। तो माना ये जा रहा है कि चूंकि वो संतुलित नेता हैं इसलिए उनको भेजा जा रहा है वहाँ पे, कि अब वहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना है। पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या होगा, एक सलाहकार परिषद बनाई जानी है जिसमें सभी दलों के नेताओं को शामिल किया जाए कि आप अपनी राय दीजिए, कब वहाँ पे चुनाव हो, कैसे चुनाव हो, कैसे शांतिपूर्वक तरीके से विकास के रास्ते पर राज्य को ले जाया जाए, जिसमें जनप्रतिनिधित्व भी मिले, मतलब लोगों का प्रतिनिधि भी चुना जाए, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो लोगों के बीच में इतना घुल मिल नहीं पाते हैं, और केंद्र सरकार भी नहीं चाहेगी कि वो जम्मू कश्मीर का टेंशन लेकर के यहाँ पे बैठी रहे। जम्मू कश्मीर का टेंशन वहाँ के सरकार के पास रहे, वहाँ के प्रशासन के पास रहे, वो देखे। रही बात आतंकवादियों से निपटने की या पाकिस्तान से निपटने की, वो सेना अपना काम करती रहेगी। तो एक सलाहकार परिषद का वहाँ पे गठन होना है और चुनावी प्रक्रिया शुरू होनी है। इसी के मद्देनज़र राजनीतिक व्यक्ति वहाँ पे भेजा जा रहा है, क्योंकि देखिए इनकी जगह पे यदि कोई रिटायर्ड IAS या आर्मी बैकग्राउंड का व्यक्ति वहाँ पे LG बना करके भेजा जाता तब तो बात समझ में आ रही थी कि इनसे नाराज होकर के हटाया गया, इनसे नाराजगी हो सकती है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति भेजने के पीछे का मकसद वहाँ पे राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करना है, ये असल मकसद है, जिसको सुबह से ही जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अचानक ये परिवर्तन क्यों। तो इसका जवाब है कि वहां पर राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करनी है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना।